लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। कितना फ्रॉड बाप है मेरा, ये यहाँ पर आराम से लेटा हुआ है और वहाँ पर भोगड़ माल इनके 60 लाख का इंतजार कर रहा है। वाह, इंतजार नहीं कर रहा होगा, धूप में पक गया होगा और अभी तो फूट फूट के रो रहा होगा कि मेरा 5 लाख रुपया डूब गया। मारो 5 लाख रुपये और डूब गए, लगता है वो लोग आएंगे नहीं। ये ले चला इश्कर। रवि दादा, क्या एक दिन का बोल के गए थे, इतने दिन लगा डाले। वो सूट वाला है ना, उसने तुम्हारे नाम की बोमा बोम कर रखी है। क्या करूं जूनियर, बहन ने रोक लिया था लेकिन आज मैं उसे आंख नहीं मिला सका। वो बार बार मेरे काम के बारे में पूछती है और मैं बार बार झूठ बोलता रहता हूं, लेकिन एक ना एक दिन उसे मेरी असलियत के बारे में मालूम पड़ जाएगा, तब क्या बीतेगी उस पर। क्या करे रवि भैया, साला अपनी जिंदगी जैसी है, अगर अपन के माँ बाप होते ना तो कौन ऐसे गंदे धंधे में पड़ता। लेकिन तुम्हारी तो माँ है ना, कहाँ है वो? पता नहीं, मुझे बचपन की कोई बात याद नहीं। हाँ याद है तो सिर्फ इतना याद है कि मेरी माँ हमेशा मुझे स्कूल छोड़ने जाया करती थी। बाय मम्मी। बाय रवि। उसका चेहरा हमेशा मेरे सामने रहता है, अगर मैं उसे लाखों में भी देख लूँ ना तो मैं उसे पहचान लूंगा, लेकिन पता नहीं अब वो कहाँ है, किस हाल में है। छोड़ो मुझे, मुझे मेरे बेटे के पास ले जाओ इसे। मुझे रवि के पास जाने दो। हाय घोष। हाय अनिल। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहा है? कुछ नहीं यार, उस औरत का अजीब सा केस है, बरसों से पागल खाने में है मगर उसे आज तक यहाँ कोई देखने नहीं आया। अच्छा। हाँ, माँ क्या होती है, औलाद की ममता कैसे उसे दीवाना बना देती है, कोई एक बार उसे देख ले तो उसकी समझ में आ जाएगा। वो सिर्फ इसी इंतजार में जी रही है कि एक बार उसका बेटा उससे मिलने जरूर आएगा। क्या मैं उससे एक बार मिल सकता हूँ? तू उससे मिल के क्या करेगा यार, तू एक बार मिल तो लेने दे, कौन जाने मेरे बहाने एक माँ अच्छी हो जाए और इस अनाथ को एक माँ मिल जाए। आगे मत आना, मैं कहती हूँ आगे मत आना, वरना मैं मार दूंगी। मत आना, मैं कहती हूँ मत आना। रुक जाओ वहीं, रुक जाओ, आगे मत आना, आगे मत आना। माँ, तू मेरा बेटा है? हाँ माँ, मैं तेरा बेटा हूँ माँ। फिर तूने मुझे यहाँ क्यों रखा? मुझे मुझे अपने साथ ले चलो, ले चलो मुझे अपने साथ। हाँ माँ, अब तू यहाँ नहीं रहेगी माँ, तू मेरे साथ रहेगी, अपने बेटे के साथ। चल माँ, चल। फिर पूना में माँ का घर मिला? हाँ, मगर माँ का भाई रोमन नहीं। पुणे में मुझे पता चला कि उस भाई ने परसों पहले धोखे से माँ का मकान भी बेच दिया। सुना है कि अब वो खुद बॉम्बे में एक बहुत बड़े बंगले में रहता है। माँ के असली बेटे को भी उसने न जाने कहाँ खो दिया। अब मैं बॉम्बे जाकर उस आदमी का जीना हराम कर दूंगा। लेकिन अनिल, तुम्हें ये सब करने की जरूरत क्या है? इसलिए कि उस औरत ने मुझे बेटा कहा है। लेकिन तुम समझते क्यों नहीं अनिल, जो इंसान अपनी बहन को धोखा दे सकता है वो तुम्हारे लिए भी खतरनाक हो सकता है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। ए, तू मेरी फिक्र मत कर, बस तू मेरे आने तक माँ का ख्याल रख। मैं तो सिर्फ इतना देखना चाहता हूं कि हमारे इस देश में जहां लोग अपनी बहन के लिए जान तक दे देते हैं, वहां ऐसा कौन सा भाई है जिसने अपनी ही बहन का घर लूटा है। वो बेईमान हम हैं, बेईमानों के बेईमान। दूसरे बेईमान जो हैं वो सीधे साधे लोगों को लूटते हैं, मगर हम वो बेईमान हैं जो बेईमानों को लूटते हैं। चलो बापू, इन दो बेईमानों की आत्मा हमें बुला रही है। ये साला आजकल धंधा बड़ा मंदा चल रहा है, पुलिस वाले लोग माल उतारने नहीं देते हैं। अपना भी साला यही हाल है, कोई लंबी आसामी फंसी नहीं, समझ में नहीं आता है क्या करें। ए साहब, आपका माचिस है? माचिस? अरे नहीं, जा चल। भड़कता है, काय को भड़कता है,
आप उनको साला भिखारी समझ रखा है क्या? आप उन भी साला इसी होटल में रहता है क्या? बाजू वाले कमरे में भड़कने का नहीं है? चल साला थक्का। सब सलाम। काय रे, कौन है तुम लोग? इधर काय को बैठे लाए? अपन इस होटल में रहता है। होटल का अंदर काय को रहता है? घर का अंदर काय को नहीं रहता है? अपन किधर भी रहता हो तुमसे मतलब? ऐसा तमड़ी नहीं खाने का, सीधा तरफ से बात करने का, समझा? अरे हवलदार साहब, हम लोग दूसरे किसी शहर से आए हैं यहाँ काम के लिए। ये आदमी को किधर देखे लाए तुम? नहीं तो क्या किया इसने? पब्लिक को टोपी फिराया है, सरकार को टोपी फिराया, करोड़ों अंदर किया है। अच्छा, अभी अक्का शहर का पुलिस इसको तलाश करता है, देखा है कभी? आप एक काम कीजिए, ये फोटो हमें दे दीजिए, हम इसका ख्याल रखेंगे। खबर करना है? ये क्या है? ए साला, एक नंबर का चोर, फ्रॉड। ये तस्वीर देखो। ए साला, अपुन का फोटो तुम लोगों को कहां से मिला? हमें पुलिस ने दी है। ए साला उधर देख। अच्छा तो तुम नकली नोट छापते हो? बेड़ो, कोई साबित कर दे कि मशीन नकली है, अपुन तो अपुन का गला ही काट डालेगा क्या? चाल सोपराज वालकाट नटवर लाल और अपुन ने मिलकर मशीन बनाया है, ऐसा नोट छापती है कि साला असली नोट भी इसके सामने नकली लगता है। छपाई लिखाई अंदर का धागा सब असली की टक्कर का है। अभी पता चल जाएगा कि यह नोट असली है या नकली। मैं इसे अभी बाजार में चलाकर देखता हूँ। यू वेट, थोड़ी ही देर में तुम्हारा फैसला हो जाएगा। फैसला? कैसा फैसला? सारे शहर की पुलिस तुम्हारी तलाश कर रही है। अरे मेरे बाप, आप उनको पुलिस के हवाले मत करना। तुम चाहो तो ये सारा रुपया रख लो, लेकिन आप उनको जाने दो। ये नकली नोट लेकर हम क्या करेंगे? नकली नहीं मकीनो, एकदम असली है। मैंने बैंक से छुट्टा करवा लिया, कोई खोट नहीं। देख प्यारे, तू भी चोर और हम भी चोर, और आपस का खून खराबा अच्छा नहीं होता, इसलिए बेहतर ये होगा ये नोट छापने वाली मशीन तुम हमें दे दो। ठीक है, निकालो लाख रुपया। लाख रुपए? ढाई लाख का तो माल लगाऊंगा इसमें, ऊपर से मेहनत मजदूरी अलग, इससे कम तो मर जाऊंगा नहीं दूंगा। चाहे तुम आप उनको पुलिस के हवाले कर दो, चलो। ठीक है, हमें मंजूर है। बख्शी, माल ले आओ। जरा एक नोट छाप कर दिखा दो। नोट छाप के भी दिखाता हूं, नोट छाप के भी दिखाता हूं। ये सादा कागज है ना, ये सादा कागज है ना, नोट छाप के भी दिखाता हूं। ये नोट है ना, देख। ये था तुम्हारा 1,00,000 रुपया। ठीक है दोस्त, आज एक एक चोर ने चोर को लूट लिया। चल अब मैं तुझे बताता हूं कि नोट कैसे छापते हैं। देख ये सादा कागज है ना। हाँ? है ना। हाँ? देख हाँ। अब नोट कैसे छापते हैं ये भी देख। अरे सादा कागज है। हेलो, आप कौन बोल रहा है? नोटों की मशीन वाला। अबे ये मशीन तो नोट नहीं छाप रही है। अरे तभी तो तुम्हें बेची है क्या भेड़ो? तुम भी चोर अपन भी चोर, इस वास्ते अपन झूठ नहीं बोलेगा। आप उनके कमर में जो नोट लटक रहे हैं वो सब साले असली हैं। हाँ, तुमको फंसाने के वास्ते मैंने वहां पर सूखने के लिए लटकाए थे। लेकिन ये काय की मशीन है भाई? गन्ने का रस निकालने की। गन्ने का रस? हाँ, गन्ना डाल के देखो शायद रस निकल आए। क्या भेड़ो पुरानी है ना, अपुन ने साला इसको 50 रुपए में चोर बाजार से खरीदा था। 50 रुपए? क्या? कौन हो तुम? तुम मेरी माँ के गुनाहगार हो। माँ? कौन माँ? मेरी माँ यानी तुम्हारी बहन गायत्री। अब पहचाना मुझे कंस मामा? अभी
तुम इतने से थे जब तुम्हें मैंने ट्रेन में छोड़ दिया था, नहीं मतलब तुम खुद ट्रेन में छूट गए थे। इतने बड़े हो गए, लंबे चौड़े भी हो गए, नहीं? हाँ, बड़ा भी हो गया और लंबा चौड़ा भी। और पूना से तुम्हारा एड्रेस लेकर यहाँ आया हूँ ताकि तुमसे अपना पुराना हिसाब वसूल कर सको। हिसाब? कौन सा हिसाब? नाटक मत करो, तुमने धोखे से मेरी माँ का घर बेच खाया है। मैं उसी का हिसाब वसूल करने आया हूँ कंस मामा। लेकिन वो पैसे तो मैंने अनाथ आश्रम में चंदे में दे दिए है। अनाथ आश्रम की चादरें चुरा कर बेच खाने वाला अनाथ आश्रम में 1,00,000 रुपया चंदा देगा? हाँ नहीं नहीं, तुमको किसी ने गलत खबर दी है, मैं तो बहुत शरीफ आदमी हूँ। अगर मैं इस वक्त जाकर पुलिस में तुम्हें दे दूं तो 2 मिनट के अंदर तुम्हारी खाल के साथ साथ तुम्हारी शराफत भी उतार दी जाएगी। जाऊं? नहीं, वहां क्या जाने की क्या जरूरत है, अपन यहीं बैठ के मांडवाली कर लेते हैं। बैठना बैठना कुछ नहीं, चलो इस घर की कीमत निकालो। ऐसा खड़े खड़े कहां से निकालो, तुम ऐसे टाटा बिरला से भी जाके मांगो तो उनकी जेब में से आटा नहीं निकलने वाला। तुम थोड़ी सी मोहलत दो, मैं तुम्हारी पाई पाई चुका दूंगा। मोहलत वोलत कुछ नहीं, मैं तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का वक्त देता हूँ। याद रखना कंस मामा। बापू, क्यों छिपकली की कटी दुम की तरह फड़फड़ा रहे हो, मेरे की आगे क्या? बेटा, अगर वो तेरे को कस के एक घूंसा मार देना तो बिना बिजली के ऊषा पंखे की तरह 6 बजे तक ये खड़ा खड़ा फड़फड़ फड़फड़ फड़ घूमता रहेगा, समझा? बापू, इसको ठीक करने के लिए मेरे पास एक रास्ता है। क्या है? गुल्लू दादा।